पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 6 घंटे 7 घंटे, घर वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको काम करना है, ऐसा कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं क्या? अगर ऐसा कहते ना, और पहली वैकेंसी जिसमें हम असफल हुए थे, गेट बंद करके हमें थर्ड डिग्री दी जाती, अगली वैकेंसी में सफलता अपने आप मिल जाती, घर वालों ने नहीं कहा। घर वालों के साथ हम धोखा क्यों कर रहे हैं? हम अंबानी की औलाद है, टाटा की औलाद है, करोड़ों रुपए थोड़ी है हमारे पास, ऐसा है क्या? नहीं, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं इसके माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से। सपने देखते हुए एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, देखे गाड़ी के सपने देखे होंगे, गाड़ी कब आएगी? आज नौकरी लगो और गुरु जी से पूछ लो कल बैंक वाले आपको लोन देने के लिए तैयार करेंगे 50 लाख के लिए। क्यों गुरु जी? पांच फोन आते हैं सब रोजाना, कि आगे से फोन आता है ना, इनके लिए कोई जमीन लिखवानी, ना मकान के कागज रखवाने, कुछ नहीं रखवाने। क्यों? सरकारी नौकरी में। तो आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं है। सारे युवा है और सारे युवा मात्र शक्ति, आपको तो अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज ऐसा समाज है जहां नारी के द्वारा नारी का शोषण किया जाता है, पुरुष तो यूं ही बदनाम किए जाते हैं। ठीक है, लड़की की शादी, लड़के से पूछो ससुर कैसे, देवता समान है, देवर जेठ कैसे, बहुत बढ़िया है, बेकार कौन, इन्होंने बेकार है, कौन किसका शोषण कर रही है? मात्र शक्ति ही मात्र शक्ति, अर्थात नारी ही नारी। तो मात्र शक्ति के पास तो बहुत बड़ा मौका है, अगर वो गवर्नमेंट में चले जाए ना केवल अपने परिवार को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को सुधार सकती है, और उस महामानव से भी अपना पीछा सुधार छुड़वा सकती है। महामानव बोले तो सास रूपी महामानव, सही कह रहा हूं ना? मात्र शक्ति पता है ना, ऐसे ताने मारे जाते हैं, जब आप कोचिंग आओगे ना तब भी ताने मारे जाएंगे, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम भारतीय समाज में रह रहे हैं, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो ये चीजें चलती रहे। कि आपको खुद को बदलना है, आने वाली नई पीढ़ियों को भी बदलना। पढ़ना कैसे? गाइडों का जो जमाना था ना, वो 5 से 5 साल पहले का, 5 साल पहले कोई भी गाइड उठाए वो वहां से पर्सन मिल गए। अब वो सिस्टम बदल चुका है, किसी गाइड से पर्सन अचानक से नहीं पूछे जाते। अब जो कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले एनसीईआरटी किताबों को पढ़ते हैं, वहां से नोट्स बनाते हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ते हैं, वहां से नोट्स बनाते हैं, फिर वो आपको लिखवाते हैं। अगर आप कह दो कि गुरु जी नोट्स तो हम भी बना लेंगे, तो अगर आप इतनी किताबें लाओगे, हर किताब को पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें है ना वो बड़ी जटिल सी भाषा में है ना, पढ़ते पढ़ते ऐसे बोर हो जाएंगे और वही लाइन छोड़ के जाएंगे जहां से पेपर में पर्सन पूछा जाए। इसलिए खुद पढ़ोगे, खुद नोट्स बनाओगे तो 2 या 3 साल लग जाएंगे हमें अच्छे से तैयारी करने के। और कोचिंग वालों के पास क्या है, तो वो सारे गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट लगने का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेजाजी महाराज की सवामनी बोली और तेजाजी का फोन आ गया, हाँ बच्चे तेरी सवामनी पक्की, तेरा सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तेजाजी के टाइम में ये नहीं होते थे, वहां वेद पुराण होते थे, ये साइकोलॉजी हिस्ट्री सीईटी रीट राट ऐसा कोई सिस्टम उस टाइम नहीं होता। एक अच्छा टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल में 5 घंटे या 6 घंटे कोचिंग के छोड़े, कि जो चीजें आज कोचिंग में करवाई है वो आज ही शाम को मैं पढ़ूंगा। एक वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आने के बाद 6 महीने जो हम बीच में अंतराल छोड़ देते हैं, रीट की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? रीट वाले हैं क्या? और देखिए पिछली बार सितंबर में रीट हुई थी, सितंबर में रीट हुई, हमें पता था रीट फिर होगी, उसके बाद हमने तैयारी की थी, सच्ची बताई माता ने, निरंतरता थी क्या? नहीं थी।
बस ये सफलता और असफलता में एक है। जब हमें पता है कि हमारा विकास सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से है, तो फिर बीच में ये टाइम गैप क्यों दिया जाता है? कोचिंग वालों से सीधी बात कर लो, गुरु जी एक साल आऊंगा या तब तक आऊंगा जब तक नौकरी नहीं लगूंगा, अब बताओ कितनी फीस चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 3 महीने आ गए। छोटे स्तर पर ये चीजें अधिक होती है। जयपुर में जाओ, सीकर में जाओ, फाउंडेशन बैच चलते हैं वहां पे। गुरु जी फाउंडेशन बैच चलते हैं, बच्चा बीए कर रहा है, बच्चा ट्वेल्थ कर रहा है, वो सीधे फाउंडेशन में चला गया। और कब तक चला गया? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं तैयारी करूं। अपने क्या होता है, 2 महीने कोचिंग कर ली, अभी पेपर कौन में आता हुआ, अब तो 2 साल एज बढ़ गई, पेपर आता हुआ, ऐसा कुछ नहीं। डेट बढ़ी है 2 साल, फॉर्म दोबारा आ जाएंगे, पेपर तो होगा, निश्चित है ना। ये तो ये सातवां सत्य है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जब वैकेंसी आई है तो पेपर भी होगा। फिर क्या है, हमें बीच से हटना है। उपकार वालों से बात करो, गुरु जी एक साल आऊंगा और जब तक नौकरी नहीं लगूंगा तब तक आऊंगा, बताओ कितने रुपए चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। तो कोचिंग करोगे कितने ले लेंगे गुरु जी, 10,000, 15,000, 20,000 कितने लेंगे? यहाँ सिक्योर है आप, 20 लाख रुपए लगाए। पहले तो घर वाले 20 लाख रुपए हमें देंगे नहीं, 100 रुपए लेते हैं तो भी 4 बार पूछते हैं क्या करोगे 100 रुपए। और 20 लाख के बाद सिक्योरिटी नहीं है कि हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, हम व्यापार में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इधर 6 महीने का टाइम देंगे ना, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मिलेगी, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नियमितता रखे बस, चाहे कहीं शादी में जाना है तो जाओ, लेकिन जो 5 घंटे निर्धारित किए ना, 5 घंटे पढ़ते हैं। संडे है, विद्यार्थी के जीवन में कभी संडे नहीं आता, संडे कब आएगा? तो गुरुजी बन जाओगे। अब इनके जीवन में संडे है, इनके जीवन में 1.5 महीने की छुट्टी है, 1.5 महीने की छुट्टी कलेक्टर के पास नहीं है, इनके पास है सरकारी मास्टर, समझ रहे हो? 365 दिन का तो नाम होता है, 150 दिन का आपस में सेटिंग हो रखते हैं, 4 मास्टर है, 2 आ जाएंगे तो ऐसा भी होता है। से कुछ इस बात को स्वीकार नहीं करे, बाकी सारी स्वीकार। 150 दिन स्कूल जाना है आपको, फिर तैयारी क्यों नहीं करते? घर वालों ने रोका है तैयारी करने के लिए, मना कर दिया है घर वालों ने कि नहीं पढ़ना, ऐसा है तो किसी दूसरे पे एहसान करेंगे पढ़ के? दूसरे पे एहसान करोगे क्या? किसके लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ते पढ़ते किसी का फोन आए जब, तो 2 घंटे बात कर सकते हैं। और पढ़ते पढ़ते घर वालों ने कह दिया एक लोटा पानी लेके आना, देखो हम को पढ़ने लग रहे हो, एहसान किसी कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं। पढ़ोगे पढ़ोगे और पढ़ोगे, सफलता सफलता और सफलता तभी। ये 3 बच्चे बैठे मेरे सामने, आकाश खड़े हो गए।